तो यार हमारी मछलियों का फाउंटेन में पता नहीं किसने बजरी फेंक दी है। फाउंटेन हमारा फिर से गंदा हो जाएगा। तो मछलियां इधर हमारे फाउंटेन में काफी घूम फिर रही हैं जबकि हमने साफ किया। तो इंशाल्लाह कल को हम अपने फाउंटेन को फुल कर देंगे ताकि हमारी मछलियां आराम से इस फाउंटेन के अंदर रह सकें। तो इन्हें थोड़ा सा दाना वगैरह डाल दें ताकि दाना वगैरह खा लें, बस इतना काफी इनके लिए, ये आके खा लेंगी। तो यार ये वाला चूजा इस बेचारे को पता नहीं कितनी ज्यादा तकलीफ है, चीं चीं करता रहता है हर टाइम। ये देखें इस बेचारे का पाँव कितना ज्यादा नीचे से सूख गया। अल्लाह करे ये ठीक हो जाए, इसे मैं दवाई वगैरह दे देता हूँ। चूजों को भूख लगी है तो इन्हें थोड़ी सी फीड डाल देता हूँ ताकि ये खा लें। ये माशाल्लाह से बाकी के चूजे काफी हेल्दी और एक्टिव हो गए हैं। वो वाला चूजा सबसे छोटा है पर हमारी कबूतरी ने अभी तक कोई अंडा नहीं दिया। उम्मीद है कि 1 से 2 दिन तक अंडे दे देगी। तो ये देखे हमारा कबूतर बोल रहा है, तो चलते हैं ऊपर अपनी मुर्गियों वगैरह को दाना वगैरह डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे और ठीक ठाक होंगे। ये छत पर आया था मुर्गियों वगैरह के इधर दाना वगैरह डाला हुआ है। मुर्गियाँ दाना नहीं खा रही, इधर बस घूम फिर रही हैं। ये देखे इधर से पौधे खा रही है। ये वाली मुर्गी हमें काफी ज्यादा तंग करती है, बाकी इधर सारी मुर्गियां घूम फिर रही हैं और उधर से पत्ते वगैरह खा रही हैं। तो आज ये मैंने रास्ता इधर से बंद कर दिया, आगे गत्ता लगा दिया ताकि मुर्गियां हमारे नीचे ना जाएं। और इधर हमारे कबूतरी अंडों के ऊपर बैठे हुए, तो थोड़ी देर बाद अपनी मुर्गियों वगैरह को बंद कर देंगे और अपने कबूतरों को खोल देंगे ताकि हमारे कबूतर भी बाहर घूम फिर लें। और ये वाला जो चूजा है ये इसकी आँख भी खराब हो गई, इसकी आँख में से झाग वगैरह निकल रही है। ये देखें काफी ज्यादा ये बीमार हो गया, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। तो बाकी ये वाले जो हमारे मुर्गियां आपस में आजकल बड़ा ज्यादा लड़ रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद इन्हें बंद कर दूंगा फिर अपने कबूतरों को खोल देंगे। अगर कबूतरों को अभी खोल दिया तो इन्होंने उनके पिंजरे के अंदर चले जाना है और सारे अंडे उनके खा जाने हैं। यार इनके पिंजरे के अंदर देखते हैं इन्होंने कोई अंडा वगैरह दिया ये नहीं। यार इस बार डब्बे के अंदर कोई अंडा भी नहीं, ये बार डब्बे ने वैसे ही खराब कर दिया, जरा अंडा देती नहीं। सुबह 1 से 2 अंडे हैं वो घर वालों ने उठा लिए हैं, तो बाकी अपने बजीर के भी दाना वगैरह डालने वाला हुआ तो उनको दाना वगैरह डाल देते हैं। ये देखे फिर से पत्ते वगैरह खा रहे हैं। ये वाली मुर्गी हमें सबसे ज्यादा तंग करती है। और ये जब वजीर के पिंजरे में से कल हमने गंद निकाला था, काफी ज्यादा गंद इधर पड़ा है डब्बा भर के, तो ये इतवार को हम अपनी मुर्गियों का डाल देंगे, मुर्गियों ने सारा खा जाना। तो यार जो हमारा सबसे छोटा टर्की बर्ड का चूजा, उस बेचारे के पाँव नीचे से काफी ज्यादा सूज गए, अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। ये देखे मुर्गी इधर से फिर मिट्टी वगैरह बाहर निकाल रही है, इसे मैं साइड पर कर देता हूँ। माशाल्लाह से हमारी 2 मुर्गियां प्ले माउथ के अंडे देना शुरू हो गई हैं। एक से जो सबसे बड़ी मुर्गी है वो अंडे दे रही है और एक जो उससे छोटी मुर्गी है वो अंडे दे रही है। तो बाकी हमारे जो इनक्यूबेटर में अभी तक अंडे पड़े उनमें से अभी तक कोई चूजा नहीं निकला, इंशाल्लाह आज रात को चूजे निकलना शुरू हो जाएंगे। अपनी मुर्गियों को बंद करके कबूतरों को खोल लिया, कबूतर खुद वक्त बाहर नहीं आ रहे, इन्हें मैं पकड़ कर बाहर निकाल देता हूँ ताकि ये बाहर थोड़ी देर घूम फिर लें। कबूतर दिन टाइम अंडा के ऊपर बैठा होता है, कबूतरी रात के टाइम अंडे के ऊपर बैठी होती है, इसे ठाक बाहर। माशाल्लाह से इनके 2 अंडे ये पड़े हुए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनके बच्चे निकलेंगे। तो क्रेट को मैं कोने में कर देता हूँ। तो बाकी माशाल्लाह सीधा घूम फिर रहे हैं, मुर्गियों को मैंने इस वजह से बंद किया ताकि मुर्गियों के अंडे वगैरह ना खा जाए। तो हवा आज काफी तेज चल रही है, धूप भी काफी तेज है। तो यार कबूतर और कबूतर खुले हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, तो इन्हें बंद कर देता हूँ ताकि अंडों में हवा वगैरह ना लग जाए। हवा आज काफी तेज चल रही है, पिंजरे का दरवाजा खोल देता हूँ, इन्होंने खुद ही पिंजरे के अंदर चले जाना। इन्हें बंद कर देते हैं जल्दी सर, अपने बच्ची के पिंजरे के अंदर चलते हैं। आज ये पिंजरे के अंदर जल्दी नहीं जाएंगे क्योंकि इन्हें काफी दिनों बाहर बाहर निकल रहा है। तो ये देखें इनका आज पिंजरे के अंदर जाने का जरा भी नहीं दिल कर रहा, तो इन्हें पिंजरे के अंदर डाल देता हूँ ताकि अपने अंडों को इनक्यूबेट कर सके। चले गए हैं, तो बाकी अब अपने बच्ची के पिंजरे के अंदर चलते हैं, कबूतरी दोबारा अंडों के ऊपर बैठ जाएगी। यार हम काफी ज्यादा मेहनत करके उनका पिंजरा मैंने काफी देर के बाद साफ किया था, लेकिन पिंजरा इनका काफी ज्यादा गंदा हुआ है, काफी ज्यादा दाना इस पिंजरे के अंदर जाया करते हैं। तो ये वाला जो हमारा पैर है इंशाल्लाह इसने बहुत जल्द अंडे दे देना फिर से। और बाकी ये जो येलो वाली फीमेल है ये ड्रन अपने डब्बे का ये दरवाजा खोल दे, मैंने दरवाजा अभी भी बंद किया। तो बाकी बेचारे ये वाला जो 2 बच्चे हैं ये बेचारे बच्चे की टंगे इंशाल्लाह अल्लाह करे जैसे ये बड़े हो जाएंगे इनकी टंगे सही हो जाएंगी। देखें उसकी कैसे टंगे खुली हुई हैं, अल्लाह करे ये ठीक हो जाए बहुत जल्द। तो बाकी हमारे बजीर के पिंजरे में आज कल काफी ज्यादा गर्मी होती है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने बजीर को नीचे कमरे के अंदर शिफ्ट कर देंगे, फिर ये वहां पर खुले रहेंगे। देखे कैसे 2-3 बार खुले हुए थे, गर्मी लग रही है। जो बड़े वाला चिक्स है इसकी माशाल्लाह से काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो इसे आज पिंजरे से बाहर लेकर चलते हैं। ये देखें काट रहा है, अब माशाल्लाह से काफी हेल्दी और एक्टिव हो गए थे, पिंजरे से बाहर लेकर चलते हैं। पकड़ लिया इसे मैंने तो बाहर, अब लेके इसे चलते हैं।
यार ये देखे मेरे बाजू के साथ किस तरीके से चिपक गया, तो बाजू के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, मैं नीचे उतारता हूँ। ये देखे उतर भी नहीं रहा, इसे पकड़ कर उतारना पड़ेगा। यार ये देखे माशाल्लाह से काफी ज्यादा खुश हुआ, बाहर काफी तेज हवा चल रही है, तकरीबन 2 से 3 मिनट बाहर रखना, फिर इसे अंदर ले जाएंगे ताकि इसके माँ बाप इसे फीडिंग वगैरह करवा सके। यार आज इसे पहली बार पिंजरे में से बाहर निकाला, काफी ज्यादा हाथ के ऊपर काट रहा है, ये देखे मैं आगे हाथ करूंगा काटेगा, ये देखे काटने की कोशिश कर रहा है। तो शाम हो चुकी है, हवा काफी तेज चल रही है, तो इसे पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं ताकि इसके माँ बाप इसे फीडिंग वगैरह करवाएं। ये देखे फिर से काट रहा है, ये देखे जिसे मैं पकड़ कर पिंजरे के अंदर छोड़ देता हूँ। ये देखे काफी जोर से इसने भाई का हाथ पकड़ा है, तो मैं दरवाजा खोल दो। यार इसे मैं पिंजरे के अंदर लेकर आ गया, इसके माँ बाप भी इंतजार कर रहे होंगे, पता नहीं किधर लेकर चला गया, जिसे डब्बे के अंदर छोड़ देता हूँ। इसे रोज पिंजरे में से बाहर निकाला करेंगे ताकि ये टेम हो जाए। ये देखे फिर से येलो वाली फीमेल डब्बे के अंदर गई है, इसने पता है अंडे वगैरह देना है या नहीं, तो बाकी नीचे चलते हैं जाके देखते हैं कोई चूजा वगैरह निकला या नहीं। यार अभी तक ये जो 7-8 अंडे पड़े हैं उनसे अभी तक कोई बच्चा नहीं निकला, ना ही किसी चूजे अंडे को तोड़ा हुआ, सारे अंडे मैं चेक कर लिए, सारे अंडे वैसे के वैसे ही पड़े हैं। इंशाल्लाह कल सुबह तक बच्चे निकलेंगे। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बर्डन सिटी को, लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।